गांव से लीडरी देखी नहीं जाती। अच्छा, गरीबी तंग बस्ती भुखमरी देखी नहीं जाती। अच्छा, हम उनके बिल्डिंगों को देखते हैं नेक नजरों से, मगर उनसे हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। बाबा जी बुलडोजर चलवा रहे हैं क्या? बाबा जी गुंडों के ऊपर बुलडोजर चलवा रहे हैं। हाँ, किसी शरीफ आदमी के ऊपर नहीं, गला भी काट लेते हैं और दोस्ती का दम भी भरते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। गला कौन काटता है? अखिलेश समाजवादी पार्टी गला काटते हैं। हाँ, बुलडोजर कौन चलवाता है? अरे जोगी जी, अगर जोगी जी का बुलडोजर नहीं चलता तो ये सुख चैन से जनता सोती नहीं। हाँ, बुलडोजर चलवा दिए तो ठीक हो गया। हाँ, हाँ, अवैध कब्जा करोगे तो बुलडोजर नहीं चलेगा तो क्या आइटम बम चलेगा? तब यह बतलाइए, गुंडों के ऊपर गोली होनी चाहिए कि माला? हार रहे हैं ताबीज खां, इलेक्शन हार रहे हैं और बड़ी पूर्ण बहुमत से जो है ये जो है अनिल त्रिपाठी जी कम से कम 30,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी आप छोड़ दिए लेकिन के? आप अरे समाजवादी पार्टी तो वो तो हमारे पिताजी का एक मैटर था तो भालचंद यादव जो है उनके पहले इलेक्शन में गया कुर्ता उतार भी फाड़े, वही जनून था बंबई वाला। भालचंद यादव साथ थे तो सुनिए नहीं तो गए मुलायम सिंह का प्रोग्राम था धनगटा में। उसके बाद जो है पिताजी बोले जरा भालचंद को फोन कर लूं। फोन किए बोले कौन से बिरादर के हैं? भालचंद जी बोले। हाँ, अब बताइए बिरादर पूछा जाता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम अपना खुद जो है हमारा हमारी अच्छी अच्छी पहचान कार गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हम हैं इस समय मेहदावल में। मेहदावल की राजनीति काफ़ी रोचक है, मेहदावल का चुनाव काफ़ी रोचक है। ताबिज़ खान बसपा से हैं तो निषाद पार्टी और बीजेपी गठबंधन से अनिल तिवारी जी, समाजवादी पार्टी से जयराम पांडे, मुकाबला त्रिकोणी लोग बता रहे हैं। अब जीतेगा कौन, माहौल क्या है, हम लोगों से जानेंगे तो कि 2022 के चुनाव में माहौल है क्या। क्या नाम है आपका? हीरा। हीरा, ये बताइए कि हीरा हैं आप तो किसको हीरा बना रहे हैं? भाजपा के। अब पांडे जी के ना ही हम कहा जाने आने पांडे के नहीं जानते हैं ना पांडे ओड़े हम केहू जान। चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह जब भाजपा का आई तो बताई भोजन भरी थाली। अच्छा, भोजन भरी थाली। हाँ, अब बताइए पांडे जी लड़ रहे हैं, अनिल तिवारी जी हैं, ताबिज खान जी हैं, तो कौन भारी है? अनिल त्रिपाठी जी। अच्छा, सड़कों की स्थिति काफी खराब है यहाँ, तो जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार अब बन रहा है कि 2-4 महीने में बन जाएगा। सांसद है प्रवीण निषाद। सबसे देश हित में, देश हित देश के लिए जो पार्टी लड़ रही हो, आज हिंदुस्तान का मान मर्यादा जो है विदेशों में छाया हुआ है तो मोदी और के नाते। देश अगर सुरक्षित नहीं है तो हम किसी और पार्टी जो आतंकवादियों का जो समर्थन कर रहा है। कौन करता है आतंकवादियों का समर्थन? ये अखिलेश, राहुल गांधी, कब किए हैं ये सब? कब किया अखिलेश? जब जब वो हुआ है। हमेशा विपक्ष में पाकिस्तान के गुणगान करने वालों में से हैं पंडित जी। हम बंबई में समाजवादी को पैदा करने का काम किए, 3 साल जिला अध्यक्ष रहे। आप समाजवादी आदमी वाला अबू आदमी? जब अबू आदमी तो बाद में आया। गुरबख्श सिंह, गुरबख्श सिंह पहले प्रदेश अध्यक्ष था, उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे जो है अबू हाशिम आजमी आया और 2 साल जो है तालुका अध्यक्ष रहे, बंबई प्रदेश का सचिव बनाए गए, छोड़ दिए उस पार्टी को। क्यों छोड़ दिए? छोड़ दिए, वहाँ जो है हम लोगों ने जो है 4 विधायक और 21 कारपोरेटर पैदा किए, 25-30 आदमियों के ले जा करके मीटिंग करते थे। इतना आप साथ में रहे? अरे यहाँ जब से हूँ यूपी में तब से जो है ये समाजवादी वाले कोई हमको पूछा ही नहीं आज तक। ये गद्दार लोग हैं, हम तो मुलायम सिंह के साथ रहे हैं, जनेश्वर मिश्रा के साथ रहे हैं, कपिल देव सिंह के साथ रहे हैं।
आप इतने लोग के साथ हैं और कह रहे हैं कि अगर वो लोग मिला लेते आपको तो? अगर पूछते, अभी आपने कहा कि पूछते नहीं है लोग, तो आतंकवादी कहना ठीक है उस पार्टी? नहीं, देख रहा हूँ ना, जब से वहाँ 8 साल से यहीं पे हूँ, गुंडई और गुंडई चरम सीमा पे थी, आज हर गुंडा थर थर कांप रहा है। पंडित जी हैं आप? हम पंडित जी हैं। आप बताइए, कहा जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज हैं? के कहने दीजिए, जो गुंडाई करेगा वो जेल जाएगा, उसको काउंटर उसका होगा। जयराम, हम सीधे साधे आदमी, हम क्यों जेल जाएंगे? हर ब्राह्मण गुंडा ही हो जाएगा, गुंडाई करेगा, डकैती करेगा, दूसरे की जमीन हड़पेगा, तो वो अंदर जाएगा, मारा जाएगा। धनंजय सिंह दूसरे पार्टी से जो है उनको टिकट मिला है, जो है बताइए, अभी आपका पंडित जी हैं, जयराम पांडे भी पंडित जी हैं, अनिल तिवारी जी हैं, हाँ। तो कहे जयराम पांडे? जयराम पांडे इलेक्शन हार रहे हैं, ताबिज खां इलेक्शन हार रहे हैं, और बड़ी पूर्ण बहुमत से जो है ये जो है अनिल त्रिपाठी जी कम से कम 30,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी आप छोड़ दिए लेकिन के? आप, अरे समाजवादी पार्टी तो वो तो हमारे पिताजी का एक मैटर था, तो भालचंद यादव जो है उनके पहले इलेक्शन में गया, कुर्ता उता भी फाड़े, वही जनून था बंबई वाला, तो भालचंद यादव साथ थे तो सुनिए नहीं तो गए, मुलायम सिंह का प्रोग्राम था धनगटा में, उसके बाद जो है पिताजी बोले जरा भालचंद को फोन कर लूं, फोन किए बोले कौन से बिरादर के हैं, भालचंद जी बोले हाँ, अब बताइए बिरादर पूछा जाता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम अपना खुद जो है हमारा हमारी अच्छी अच्छी पहचाने हैं, हैं, सब काम निपट गया हमारा। तो जो जात पूछता है, पात पूछता है, हैं, भाजपा तो हर समाज का जो है मदद कर रहा है, आज 2 महीने का 2 टाइम राशन, गैस, पहले जो है कांग्रेस के जमाने में जिसका जो है मीटर लगा हुआ था, लाइट नहीं जलता था, और कम से कम नहीं जलता था, तो लाइट नहीं जलता था, फिर भी जो है किसी का 1 लाख, यही हर राम पाड़े हैं, 1 लाख कितना 11,000 बिल आया था, और जब से भाजपा सरकार है तब से कम 18-20 घंटा लाइट मिल रहा है, 18-20 घंटा लाइट मिल रहा है। पाड़े जी हैं जी सर, आप पाड़े जी को जिताएंगे? पाड़े जी को नहीं जिताएंगे, अनिल त्रिपाठी को जिताएंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि भाजपा के शासन में बहुत विकास है। देखिए, हम कांग्रेस को भी देखे हैं, बसपा को भी देखे हैं, भाजपा को भी देखे हैं, और सपा को भी देखे हैं। सपा अखिलेश के राज्य में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, धन का लूट बंदर, उतना किसी के सरकार में नहीं हुआ ना। अब मेहदावल की सड़कियां तो बहुत खराब है, यह तो कांग्रेस की देन है कि जब जब से यहाँ कांग्रेस के विधायक होते थे, नहीं तो बघेल जी हुए ना 5 साल के लिए, बघेले तो बनवा रहे हैं, बघेले जी तो बनवा रहे हैं, बनवा कौन रहा है? जितना भ्रष्टाचार उसमें हुआ, मैं कर्मचारी था, रिटायर हो गया, सही बात बता रहे हैं, जितना भ्रष्टाचार अखिलेश के राज में हुआ उतना मुलायम में भी नहीं था। अच्छा, अखिलेश ज्यादा कर दिए? अखिलेश ज्यादा कर दिए, अखिलेश अपने बाप का नहीं हुआ, अपने चाचा का नहीं हुआ, वो हमारा आपका क्या होगा? चाचा तो साथ में है। अरे साथ में वो फुसला उसला गया, देखिए इलेक्शन बाद उनको फिर धक्का मार के निकालेगा, बनाने के लिए साथ में है। अखिलेश 3 गलती की, एक बार मायावती से गठबंधन किए इससे सरकार बन जाए, दूसरे बार राहुल गांधी से किए इससे बन जाए, अब चाचा से करके कि हम सरकार जीत जाए। मेहदावल में कौन जीत रहा है? मेहदावल में अनिल तिवारी जीत रहे हैं। सरकार किसकी बन रही है? जोगी की। कहा जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज है, कहने दीजिए। अरे विनय शंकर तिवारी को मिल गया, पांडे जी अरे को मिल गया, बदलू है लोग हैं, यह बतलाइए वह दल बदलू है? एक बार कांग्रेस में जिसकी सरकार बने उसी में घुसे, एक बार कांग्रेस में
एक बार बसपा में लुटेरे लीडरों से लीडरी देखी नहीं जाती। अच्छा, गरीबी तंग बस्ती भुखमरी देखी नहीं जाती। अच्छा, हम उनके बिल्डिंगों को देखते हैं नेक नजरों से, मगर उनसे हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। बाबा जी बुलडोजर चलवा रहे हैं क्या? बाबा जी गुंडों के ऊपर बुलडोजर चलवा रहे हैं। हाँ, किसी शरीफ आदमी के ऊपर नहीं, गला भी काट लेते हैं और दोस्ती का दम भी भरते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। गला कौन काटता है? अखिलेश समाजवादी पार्टी गला काटते हैं। हाँ, बुलडोजर कौन चलवाता है? अरे जोगी जी, अगर जोगी जी का बुलडोजर नहीं चलता तो ये सुख चैन से जनता सोती नहीं। हाँ, बुलडोजर चलवा दिए तो ठीक हो गए। हाँ, हाँ, अब अब कब्जा करोगे तो बुलडोजर नहीं चलेगा तो क्या आइटम बम चलेगा? तब यह बतलाइए, गुंडों के ऊपर गोली होनी चाहिए कि माला? अरे भाई, उसके लिए कानून है ना? कानून तो काम कर रहा है। कानून कहते हैं कि यह सरकार ब्राह्मण विरोधी है। यह बतलाइए, ब्राह्मण गुंडागर्दी करेगा, डकैती डारेगा, प्रशासन को मारेगा तो उसको मारना जरूरी है? आप मान रहे हैं कि ब्राह्मण जो है गुंडागर्दी किया? हाँ, आप मान रहे हैं ना? और का ब्राह्मण मतलब गलती किया? गलती किया, सारे ब्राह्मण गलती नहीं, सारे ब्राह्मण नहीं, जो किया वो मारा गया, उसकी वही दवा है, मारो चौराहे पर। जो डकैती डाले उसको तुरंत मारो, तुरंत मारो। चलिए, ये मेहदावल के लोग हैं 22 की चर्चा में ये कह रहे हैं कि अनिल तिवारी यहाँ से जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। एक चाचा बहुत नाराज हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे मुंबई में। इनका साफ कहना है कि जो व्यक्ति अपने चाचा का नहीं हुआ, अपने पिता का नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश का कहां से होगा। अब ऐसे इन खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव। हमारा कारवां किसी अन्य गाँव में जाता है, तब तक